to make dum biryani. Let's see. दम बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो चिकन, 1 किलो बासमती चावल, 1 पाव खट्टी दही, 7 हरी मिर्च, कटी हुई धनिया, 5 प्याज, 2 टमाटर, ये सबको हम दरदरा पीस के डालेंगे चिकन में, 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरा तेल, 4 हरी मिर्च, कटी हुई धनिया, 2 नींबू का रस, 1 चम्मच गरम मसाला जो घर का पीसा हुआ है उसकी रेसिपी मैं आपको जल्द ही बताऊंगी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, कश्मीरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, खड़े गरम मसाला, 1 किलो चिकन में 1 पाव दही, 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच नींबू का रस, 1 कटोरी तेल, रिफाइंड तेल, डीप फ्राई प्याज है 1 मुट्ठी, ये डालूंगी मैं इसमें। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया का पेस्ट है, दरदरा इसको पीसना है, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम आंच पर इसे 1/2 घंटे तक पकाना है, फिर इसे ढक्कन से ढक देंगे। खोलते हुए पानी में कुछ खड़े गरम मसाला डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे और 2 चम्मच नमक डालेंगे। आधा घंटा पहले हमने चावल को भिगो के रखा था, अब मैं खौलते हुए पानी में चावल डाल रही हूँ। ये चावल को 70% तक ही पकाना है। देखिए चावल कितना खिला खिला है। दम बिरयानी का चिकन तैयार हो गया है। पहले चावल डालेंगे पहली परत, फिर चिकन डालेंगे, अच्छे से चिकन डालेंगे, इसमें थोड़ी डीप फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई धनिया डालेंगे, दूसरा परत भी इसी तरह करेंगे, चावल डालेंगे अच्छे से, अब हम केवड़ा दूध फूड कलर का मिश्रण डालेंगे, इससे अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर मिलता है। स्टेप भी हम वैसे दोहराएंगे, चिकन डालेंगे पहले, तली हुई प्याज डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, हरी मिर्च, हरी धनिया डालेंगे कटी हुई, 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे, इससे सोंधापन और फ्लेवर अच्छा मिलता है। बाकी स्टेप वैसे रहेंगे जैसे मैंने पहले किए थे।
हम इसे सिल्वर फॉइल से पैक करेंगे दम करने के लिए। चारों तरफ से अच्छे से पैक करिएगा, कहीं से भाप ना निकले। इस तरह से पैक करके इसे 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। अब ये बिरयानी हमारी तैयार हो गई है, अब इसे मैं चेक करूंगी। वाओ, क्या खुशबू आ रही है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। मैम ने मुझे सर्व करके दे दिया, अब मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनी है। आई होप दैट यू लाइक दिस रेसिपी। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल विच इज अलीजस मॉम किचन। बाय।